तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आईसीसी के लिए मैथ प्रश्नावली 5.5 डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी अवकलन होता है। कल आप लोग को पहला क्वेश्चन बनाए थे, आज दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर रूट में दिया है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, बाटा में दिया है रूट में ही x माइनस तीन इंटू एक्स माइनस चार इंटू एक्स माइनस पांच, पर है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। अब यहाँ पर माना y बराबर क्वेश्चन चोरी, ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये रूट में है, तो y जीरो करते हो, यहाँ पर रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा में x माइनस तीन इंटू एक्स माइनस चार इंटू एक्स माइनस पांच, तो पावन इसका क्या हो जाएगा, एक बटा में दो हो जाएगा, पावन एक बटा में क्या हो जाएगा, दो। कोई भी चीज अगर रूट हटाते हैं तो उसका पावन एक बटा में दो होता है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर बिना लॉग लिए हुए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, लॉग वाई बराबर यहां पर हो जाएगा लॉग, ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा में एक्स माइनस तीन इंटू एक्स माइनस चार, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पांच। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉग यहां पर क्या लिखे, लॉग इतना के पावर एक बटा के दो छेद करते हो, लिख देंगे लॉग वाई छेद करते हो, लॉग एम के पावर एन, तो पावर पहले आ लॉग इसको छेद करते हो उतार देंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा में एक्स माइनस तीन इंटू एक्स माइनस चार और इंटू एक्स माइनस पांच। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्यों लिखे थे, यहां पर लिख रहे हैं लॉग एम के पावर एन, तो पावर पहले और लॉग एम जीरो करते हैं ऊपर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉग वाई जीरो करते हैं एक बटा में दो जीरो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लॉग एम बटा में एन, तो लॉग एम बटा में एन का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉग इतना, तो इतना कितना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस लॉग एम होता है, तो लॉग और हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस तीन एक्स माइनस चार एक्स माइनस पांच। यहां पर आपको लिख रहे हैं फॉर्मूला, में फॉर्मूला होता है लॉग एम बटा में ए या कुछ भी होता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एम, इसका मतलब ऊपर वाला प्लस में होता है माइनस नीचे वाला माइनस में होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लॉग वाई छेद करते हैं, एक बटा में दो छेद करते हैं, लॉग एम गुणे लॉग एम का फॉर्मूला होता है लॉग एम, तो इसका मतलब कितना, एक्स माइनस वन और प्लस लॉग ए होता है, तो लॉग एक्स माइनस टू। अब यहां पर माइनस ध्यान दीजिए, तो माइनस से तो लॉग ए ए और भी दिया है, तो लगातार प्लस में हो जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स माइनस तीन, तो ये माइनस उसका माइनस में हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस चार माइनस लॉग एक्स माइनस पांच, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो डी लॉग वाई बटा में डी वाई गुणे डी वाई बटा में डी एक्स, ध्यान दीजिए बटा में टू कोष्ठक के बाहर हो गया। अब इसका पारापरिक डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी लॉग एक्स माइनस वन बटा में डी एक्स माइनस वन, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा में डी एक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहां पर माइनस है डी वन बटा में डी एक्स, अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस डी लॉग एक्स माइनस टू बटा में डी एक्स माइनस टू और गुणे इसका पारापरिक डिफरेंशिएशन,
dx बटा में dx माइनस डी टू बटा में dx, और यहां पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माइनस डी लॉग x माइनस टी बटा में डी एक्स माइनस टी, और यहां पर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और आप डी एक्स बटा में डी एक्स माइनस डी थ्री बटा में डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स माइनस चार बटा में डी एक्स माइनस चार, और यहां पर क्या करेंगे डी एक्स बटा में डी एक्स माइनस डी फोर बटा में डी एक्स। एक बार और है माइनस माइनस डी लॉग एक्स माइनस पांच बटा में डी एक्स माइनस पांच, और यहां पर क्या करेंगे डी एक्स बटा में डी एक्स माइनस डी फाइव बटा में डी एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन डी लॉग वाई बटा में डी वाई का एक बटा में वाई हो जाएगा, और डीवाई बटा में डी एक्स और एक बटा में दू जो का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा डी लॉग ये एक्स है तो समझो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक बटा में एक्स और एक्स माइनस वन, और यहां पर डी एक्स बाई डी एक्स का हो जाएगा वन, और यहां पर माइनस है कॉस्टेंट का जीरो हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा वन बटा में एक्स माइनस दू, और यहां पर ध्यान इसका हो जाएगा वन और इसका हो जाएगा कोस्टेंट का जीरो, और यहां पर माइनस डी लॉग ये पूरा समझिए लॉग का एक्स है तो वन बटा में एक्स एक्स माइनस थ्री, और इसके बाद गुणे इसका हो जाएगा वन माइनस इसका हो जाएगा जीरो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या है माइनस डी लॉग एक्स माइनस चार है तो वन बटा में एक्स माइनस चार, और इसका हो जाएगा वन माइनस इसका हो जाएगा जीरो, माइनस इसका हो जाएगा डी लॉग एक्स माइनस पांच वन बटा में एक्स माइनस पांच, और इसका हो जाएगा एक माइनस इसका हो जाएगा कितना जीरो। अब यहां पर क्या करेंगे मिटाएंगे, तो आगे देखते हैं मिटाने के बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी लाइन पर है और ज्यादा आगे नहीं, अब इसको कैसे करेंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बटा में वाई है ये भागा में हो जाएगा गुणा में जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स ये भागा में हो जाएगा गुणा में जाएगा, और हमारा एक बटा में टू है तो लिखेंगे एक बटा में टू, इसके बाद बचा वन बटा में एक्स माइनस चार वन बटा में एक्स माइनस वन माफ करिएगा, और ये वन में से जीरो जाएगा तो वन ही होगा तो हम उतना ही रखेंगे, प्लस एक बटा में एक्स माइनस टू एक बटा में एक्स माइनस टू, और ये एक में से जीरो जाएगा तो एक ही हो जाएगा माइनस एक बटा में एक्स माइनस तीन, यहां से लिए हैं एक में से जीरो जाएगा तो एक ही हो जाएगा, इसके बाद माइनस एक बटा में एक्स माइनस चार क्योंकि वन में से जीरो जाएगा तो हमारा वन ही होगा, माइनस एक बटा में एक्स माइनस पांच लिखेंगे वन बटा में एक्स माइनस पांच, और इसको जो करते हुए छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डीवाई बटा में डी एक्स पौष्टिक वाला पहले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और वाई का जो मान है वाई का मान वही आप लोग उतारेंगे, तो वाई का मान था एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, याद पर ये वाई का मान है हमको याद के बनाने से, और इसका मान हो जाएगा एक्स माइनस तीन इंटू एक्स माइनस चार और एक्स माइनस कितना पांच। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बटा में जो पहले हो गया वाई का मान इतना हो गया, अब आप ही इसको उतार देंगे एक बटा में एक्स माइनस वन प्लस एक बटा में एक्स माइनस टू माइनस एक बटा में एक्स माइनस तीन माइनस एक बटा में एक्स माइनस चार माइनस एक बटा में एक्स माइनस पांच, तो यही क्या होगा आंसर हो गया। किताब का आंसर मिला लीजिएगा एनसीईआरटी का। ओके बेस्ट ऑफ लक चलते हैं।